हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन फूड रजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला गोभी फ्राई, जो कि खाने में तो टेस्टी हैं ही, साथ ही सफ़र के लिए भी एकदम दमदार और आसान रेसिपी है। एक बार इस तरीका से बना कर देखिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलते हैं किचन में। अच्छा सुनिए, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे व्यंजन आप तक पहुंच सके। गोभी फ्राई बनाने के लिए हमने एक गोभी लिए हैं, जो कि वजन में लगभग 500 ग्राम होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसके फ्लावर को तोड़कर अलग कर लेंगे। जो फ्लावर्स बड़े हैं उसे दो टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब इसे अच्छे से धो लेंगे। पानी थोड़ा गर्म हो और इसमें आधा चम्मच नमक डाल दें तो इससे ये आसानी से साफ हो जाता है। दो मिनट के लिए इसे नमक वाला पानी में रहने देंगे। उसके बाद इसका सारा पानी छान लेंगे और इसे सुखा लेंगे। पानी से छान कर गोभी के फ्लावर्स को अच्छे से सुखा लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि इसे मैरिनेट करेंगे। जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, गर्म मसाला, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे, जिससे सब्जी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। सब्जी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिला लेंगे। इसे ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही पतला रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि गोभी के पीसेज को डालकर मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इसे ढक कर 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अगर मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर आपको पसंद नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तड़के के लिए कुछ मसाले लेंगे, जिसमें आधा चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 1 चुटकी हींग और 2 लवंग लेंगे। इन सारी चीज़ों को तेल में डालकर चटका लेंगे। और 2 हरी मिर्च को बीच से काट कर डालेंगे। अब हम इसमें मसाले वाले गोभी डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। अब इसे स्टर करेंगे। बाउल में 1/2 कप पानी डालकर धोकर सारा मसाला ले लेंगे और इसे मिला लेंगे। लिड से कवर करके मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। पाँच मिनट बाद ऑलमोस्ट हमारी गोभी की सूखी सब्जी बनकर रेडी है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हरे धनिए के पत्ते से गार्निश करेंगे। अब इसे सर्व कर लेंगे। सर्व करने के लिए इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। आप इस सब्जी को पूरी, पराठे, दाल चावल या बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फूड रजनी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। नीचे दिए गए सर्कल पर अभी क्लिक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर आपको मेरी और 2 मज़ेदार रेसिपी दिख रही होगी। आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक करें। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।